सुनील पार, वोट फॉर सुनील पार, वोट फॉर सुनील पार, वोट फॉर सुनील पार, मोदी राहुल केजरीवाल, वोट फॉर सुनील पार, नो सवाल नो बवाल, वोट फॉर सुनील पार, चाहे यही मीडिया ऑल, वोट फॉर सुनील पार, मोदी राहुल केजरीवाल, वोट फॉर सुनील पार, वोट फॉर सुनील पार, वोट फॉर सुनील पार, वोट फॉर सुनील पार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और वोट फॉर सुनील पाल में आपका स्वागत। इस एपिसोड में यानी इस वीडियो में सबसे पहले हम स्वागत करते हैं केजरीवाल जी का। जी हाँ, आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल भाई साहब को हम क्या कहें, भूतपूर्व सीएम या भविष्य के पीएम, हमेशा किसी ना किसी की इंक्वायरी करते हैं, शक करते हैं। लोग यकीन की बुनियाद पर आगे बढ़े, ये शक की बुनियाद पर आगे बढ़े, हर किसी की जांच। भाई साहब आपका डॉक्टर केजरीवाल हो, सबकी जांच कर रहे हो, धरना करना हो, अनशन करना हो, भाई साहब हमेशा आगे। हाँ, अगर यही सब इनका शौक है तो जरा सोचिए, शक करने वाले, इंक्वायरी करने वाले, किसी पर डाउट करने वाले, जांच करने वाले केजरीवाल जब पैदा हुए होंगे तो उस दिन अस्पताल में, हॉस्पिटल में, उस दिन हॉस्पिटल में क्या कयामत आई होगी। देखिए, हाय, मैं डॉक्टर अवैध, आई मीन अनीता वैद्य, क्या करूं, बहुत टेंशन है। आज हॉस्पिटल के इतिहास में पहली बार एक ऐसा अद्भुत बच्चा पैदा हुआ है। अद्भुत नहीं, वो तो आधा भूत लग रहा है। फुल गेटअप के साथ पैदा हुआ है, चश्मा, मूंछ, दाढ़ी, मफलर। अरे, और बच्चे तो रोते हुए पैदा होते हैं और ये खांसते हुए पैदा हुआ है। और पैदा होते ही इंक्वायरी काउंटर पे पहुंच गया, वहां पे सवाल पे सवाल कर रहा है, कुछ खा पी भी नहीं रहा। अरे कहां बेटा, कुछ खा लो। डॉक्टर आंटी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं धरने पे हूँ, अनशन पे हूँ मैं आज, क्योंकि मुझे इस भ्रष्ट हॉस्पिटल की जांच करनी है, इसकी जांच करनी है। यहाँ पे भ्रष्टाचार है, इस हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार? हाँ, हम दबे कुचले लोग कब तक भ्रष्टाचार सहन करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल की जांच की जाए, मैं इसकी जांच करवाना चाहूंगा, इंक्वायरी बिठाऊंगा, इसलिए मैं अनशन पे हूँ। आज तक आम आदमी हॉस्पिटल में अपनी जांच करने के लिए आता रहा, अब एक आम आदमी इस हॉस्पिटल की जांच करेगा। आंटी, मैं 10 मिनट बाद पैदा हुआ ना, तो ये 10 मिनट का क्या क्या लफड़ा है, मुझे जांच करनी है इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए। मैं देखो क्या, इसीलिए तो मैं आम वार्ड में पैदा हुआ, आम हॉस्पिटल में पैदा हुआ। अगर मुझे जांच नहीं करनी होती, अगर मैं भ्रष्ट होता तो मैं अंबानी के हॉस्पिटल में पैदा होता। मैं यहाँ पर पैदा हुआ, मुझे जाँच करनी है, जल्दी जांच करवाओ, वरना मैं खास खास के इस आम वार्ड को खास बना दूंगा। आंटी, डॉक्टर आंटी, आपने आज तक जच्चा बच्चा कई बार देखा होगा, जांचा बच्चा पहली बार देखो, जांचा बच्चा। मुझे जांच करनी है, झाड़ू कहाँ है, मैं इस हॉस्पिटल की सफाई भी करूंगा मैं। भाई साहब, अगर अस्पताल में ये हाल है तो इस धरना कुमार ने स्कूल में क्या क्लास ली होगी। बच्चा लो, आज हम पढ़ाएंगे अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, जिसमें हमको महारत हासिल है। तो इनकी खासी मत ध्यान दीजिए, भाई भी ध्यान दीजिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर क्रैक। भ्रष्ट मास्टर जी, हाँ? ये बच्चे जो है देश का भविष्य है। हाँ, इन्हें गलत सिखा रहे हैं। गलत का सिखा रहे हैं, सही सुनना चाहते हैं? हाँ बोलो। आपने क्या कहा, ए फॉर एप्पल? गलत है। फिर सही क्या है? नंबर एक, ए फॉर आम आदमी पार्टी। बी फॉर क्या कहा? बी फॉर बॉल। नंबर दो, बी फॉर भारतीय जनता पार्टी। सी फॉर हमारी नजर में कायद होता है। सी फॉर कांग्रेस। ये आज के मुद्दे हैं, ये सिखाओ, इससे क्या आने वाले स्टूडेंट्स को क्या भविष्य मिलेगा। अभी क्लास बाहर कर दूंगा। क्लास से निकालने की धमकी किसे देता है रे? हा? मैं तो वैसे भी क्लास में नहीं बैठना चाहता, क्योंकि मैं भविष्य में क्लास का नहीं, मास का स्टूडेंट बनना चाहता हूँ।
मांस के लिए काम करना चाहता हूँ। तुमने मांस बोला तो याद आया, और खाने में भी मांस बना यानी नॉनवेज है। लंच का टाइम है, सब लोग भोजन कर रहे हैं, तुम भी जाओ भोजन करो, तबीयत सही जा। मास्टर तू खा, आज मैं तेरे खिलाफ, इस स्टूडेंट के खिलाफ और इस विद्यालय के खिलाफ अनशन पे बैठूंगा। अरे अरे इस विद्यालय में हमारे स्टूडेंट ने और हम सब ने क्या किया जो तुम अनशन पे बैठोगे? बच्चे ये जो है यहाँ के स्टूडेंट जो है जी, ये भ्रष्ट है। वो कैसे? ये परीक्षा देते हैं, देते हैं, ये पर्ची लिखते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद इनकी जांच होती है। बिल्कुल होती है, इनकी परीक्षा में जांच होती है। अगर ये ईमानदार होते तो इनकी जांच क्यों होती? जांच तो उसी की होती है जो भ्रष्ट होता है। जैसे आप, मैं आपकी जांच करूंगा। मुझे पता था इसलिए हाथ से कवर किया। भ्रष्ट है टीचर, टीचर झाड़ू कहा, झाड़ू कहा है? मुझे इस क्लास को, पूरे स्कूल को, बल्कि पूरी दुनिया को ही सफा करना है, है? साफ करना है। झाड़ू कहा है? अरे पागल, स्कूल में ही ये तय हो गया था कि ये आदमी जिंदगी में ज्यादा इनकम नहीं करेगा, बल्कि ज्यादा इनकम करने वाले को ये ज्यादा किस तरह से परेशान करेगा, इसका एक जीता जागता नमूना देखिए इनकम टैक्स कमिश्नर हमारे केजरीवाल जी। कितनी बार बोला है इनकम टैक्स तो टाइम से भर दिया करो। अरे यार ईशा, तुम घर पे भी चोंचो चोंचो कर रही थी, यहाँ भी कर रही, यार आया हूँ ऑफिस में भरने के लिए आया ना। एक्सक्यूज मी मिस्टर खांसी, मेरा मतलब है मिस्टर चपरासी, आपके इनकम टैक्स ऑफिसर कहाँ है? कमिश्नर फाइन जी, मैं ही हूँ इनकम टैक्स कमिश्नर केजरीवाल। आप इनकम टैक्स कमिश्नर जी? झाड़ू में जी, आई लाइक झाड़ू। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि दिन भर झाड़ू मारता रहूँ। अच्छा, मेरे हाथ से झाड़ू छूटे नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी चीज होती है भाभी झाड़ू। मैं चाहता हूँ कि झाड़ दो सबको। अच्छा, गंदगी साफ कर दो। अच्छा, उनको ऐसा झाड़ दो जी, तुम्हारी तो टांग ही तोड़ दूंगा मैं। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। असल में इनकम टैक्स विभाग, ये जो विभाग है जी, इसमें सारे करप्ट लोग हैं यहाँ पे, इसलिए मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। एक मिनट, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ लाखों करोड़ों की ऊपरी इनकम है, सरकारी खाता है, खाता I don't like खाता मेरे भाई, क्योंकि अपुन नहीं खाता, खाता शब्द मुझे पसंद नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि इस विभाग का नाम हो चाहिए आयकर अनशन विभाग। आयकर विभाग अनशन? मैं तो पुलिस के साथ ज्वाइन हो जाऊंगा, ताकि पुलिस का और मेरा काम एक ही हो जाए। धरना धरना, पकड़ना पकड़ना, धरना जंतर मंतर पे जाके कुछ जादू करना, और इसके लिए लाखों करोड़ों नहीं, मुझे हजारों की जरूरत है। हजारों? हजारे की जरूरत है, हजारे अन्ना हजारे। मैं उनके पास जाऊंगा और उनके मार्ग पे चल के इस देश को भ्रष्टाचारी से मुक्त करूंगा। अच्छा सुनिए, जिस काम के लिए मियां बीबी हम दोनों भाग के आए हैं, उसका क्या, किससे बोलूं उसके बारे में? मैंने तो इस्तीफा दे दिया है जी। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ाई तो 10 बस। एक छोटा सा काम करेंगे? या ऑफ कोर्स। आज से इनकम टैक्स कमिश्नर आप हो। मैं कमिश्नर जी? तेरो अन्ना प्यारा। सुनो, जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई भूत प्रेत का साया है, तभी ये झाड़ू फूंक की बात कर रहा है, मुझे कमिश्नर बना गया। भाई साहब ने नौकरी छोड़ दी हा? और ईमानदारी की राह पर अन्ना जी के साथ चल पड़े। लेकिन अन्ना जी के साथ काम करते करते, अनशन करते करते, उनको एक बात तो पता चल गई कि इस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म हम नहीं कर सकते, इसके लिए खुद ही राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में बहुत पॉलिटिक्स है, इसे बदलने के लिए खुद ही दलदल में उतरना पड़ेगा। जब ये केजरीवाल जी ने फैसला किया और अन्ना जी को बताया, तो अन्ना जी ने इसका पुरजोर विरोध किया। बेचारे अन्ना जी, वॉच इट। देखो केजरी, ये राजनीति के जितने भी दल आए सब दलदल आए, इसलिए मैं इसके पक्ष में ना हूँ, क्योंकि दलदल में जाएंगे तो गंदा हो जाएंगे, कुछ मजा करना है। तो आपने तो देखा है अन्ना जी कि हमने क्या नहीं किया, हमने कौन सी ऐसी अच्छी चीज जो नहीं करी है, हमने अनशन किए, हमने धरने किए,
तो हमने तो फरवरी के महीने में मार्च भी किया इनके खिलाफ, लेकिन ना तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना भ्रष्टाचारी खत्म हुए। अल्लाह जी, मैं तो कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके लिए सैंडल मार्च निकालना पड़ेगा, ये सैंडल मार्च से मानने वाले नहीं है। ये सैंडल मार्च की बात नहीं करने का, ये हिंसा की बात मत करो, मेरा दिल दुखता है, मैं इसके पक्ष में ना हूँ। ना हिंसा मत करो, अगर तू ये करेगा तो मैं तेरे साथ ना हूँ। पर अन्ना जी, मैंने ठान लिया कि मैं राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा, मेरा चुनाव चिन्ह होगा झाड़ू और पार्टी का नाम होगा AAP, आप आम आदमी पार्टी, और मैं जीत के आ जाऊंगी, मैं जीतूंगी। करो, अच्छा तुम करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में ना हूँ, इसलिए मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करना का, मेरा फोटो इस्तेमाल नहीं करना का, मेरा तुम लोग सब, मैं तुम्हारे साथ में ना हूँ, ठीक है। और तुमने ये जो पार्टी बनाई है, अगर अन्ना तुम्हारे साथ में नहीं है तो तुम दक्षिण में नहीं जीत सकते, साउथ में तुम इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि उधर सब अन्ना है। भाई अन्ना हजार है तो उधर अन्ना हजारों है, लाखों है, करोड़ों है, और जहाँ तक तेरा हरियाणा का सवाल है तो उधर भी नहीं जीतेगा, क्योंकि कहते तूने पार्टी का नाम रखा है आप, और हरियाणा में आप शब्द जो है अपशब्द है, उधर तू में काम हो जाता है, आप तो वहाँ पर कोई अपने बाप को भी नहीं बोलता है, तो तू उधर भी आ जाएगा। एक ही जगह है, एक ही प्रांत है जहाँ तू जीतेगा, वो है यूपी, और यूपी में भी एक ही शहर है और वो है लखनऊ, उधर तू जीत सकता है, क्योंकि वहाँ के सब लोग बोलते हैं पहले आप, तो उधर जीतेगा, और तेरे को दो मीडिया का सहारा मिलेगा, दो ही चैनल, एक ABP न्यूज और दूसरा India TV, क्योंकि ABP न्यूज का स्लोगन मैं सुना है, उसका स्लोगन है आपको रखे आगे, तो तेरे पार्टी को वो आगे रखेंगे, और दूसरा India TV का स्लोगन है खबर आपकी, मतलब तो तेरे पार्टी की खबर बेहतर रहेगी, ये सब होता रहेगा, लेकिन आप अगर पार्टी की इज्जत करके नाम रखा है आप, तो बैनर का भी इज्जत करना, बैनर को बैनर नहीं बोलना, अगर बैनर का ममता चाहता है तो बैनर को इज्जत से बुलाएगा तो बोलना बैनर जी, अगर बैनर जी बुलाएगा तो इसीलिए तेरे को बैर मिलेगा और तू खुद बोलेगा, मेरा आशीर्वाद तेरा साथ में, लेकिन मैं राजनीति में और दलदल में नहीं, मेरे को माफ करो। जी अन्ना जी, आशीर्वाद दीजिए। अन्ना हो या नन्ना हो या राजेश खन्ना हो, सबने केजरीवाल जी को अलग अलग तरीके से समझाया कि भैया पॉलिटिक्स में मत जाओ, फंस जाओगे, जो कुछ भी रहा सा मामला वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन केजरीवाल जी कहाँ सुनने वाले थे, गए सत्ता के गलियारों में, गए चुनाव लड़ा, CM बने, इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, असल में करना क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या इनका प्लानिंग है, आप जरा इस इंटरव्यू में सुनेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा, भाई मैं कौन होता हूँ जो इनके बारे में इनकी दिल की बात आपको बता सकूं, आप खुद ही जान लीजिए। बीच बचाओ यानी बीच बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ रमेश दतौड़ा, हमारे साथ है हमारी संगिनी यशिता, और हम दोनों मिलकर बात करेंगे दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल साहब से कुछ ज्वलंत समस्याओं पर। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने आपको बहुत प्यार दुलार इज्जत दिया, अपने कीमती वोट दिए, CM की कुर्सी पे बैठा दिया, और आपने फट से कुर्सी छोड़ दी, आप नीचे चले आए, वाह, कैन यू टेल मी? मैं बोलूं अभी? बोलिए। सुनेंगे आप? हम सुनने के लिए हैं। आप मीडिया वालों को बड़ा प्रॉब्लम है, सुनते नहीं है आप लोग। बोलिए। नंबर एक, मैंने CM की गद्दी इसलिए छोड़ी जी, क्योंकि मैंने कांग्रेस का समर्थन लिया था। अच्छा। तो समर्थक तो थे मेरे वो जी, पर सेम अर्थक नहीं थे, सपोर्ट करते थे, सपोर्ट कर दिया जी, जी, पर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बहुमत तो मिल गया था लेकिन वो बहु मुझे अपना मत पूरी तरह सपोर्ट सामने रखने नहीं दे रही थी। बिल्कुल समझ गया, बहुत अच्छा। मेरी जो पार्टी थी जी, उसका प्यार से मैंने नाम रखा था आप जी, ये लोग मेरी पार्टी को तू कहने लगे थे, तू 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 तू, तो ये मुझे बहुत तकलीफ होने लगी, थोड़ा कुत्ता टाइप हो रहा था जी जी जी, मैंने कहा तू तू थू 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 थू, मैंने कहा छोड़ दो,
कई लोग मुझसे बहुत जैसे आपसे लोग पूछते हैं मुझे जो कहते हैं कि कुर्सी क्यों छोड़ दी, कुर्सी क्यों छोड़ दी, तो फिर मैं गुस्से में आके फिर जवाब दे देता हूँ कि हाँ भाई इसने छोड़ी क्योंकि उस कुर्सी में खटमल थे तुम्हारे जैसे। भाई देखिए ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि सबकी जाँच होनी चाहिए, राहुल गांधी की जाँच होनी चाहिए, मनमोहन सिंह की जाँच होनी चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा की जाँच होनी चाहिए। अच्छा आपको नहीं लगता कि आपका भरपूर जांच होना चाहिए? भरपूर जांच करा लीजिए। अच्छा इसी तरह की एक जलन समस्या है हमारी साथी यशिता पूछी। पूछो केजरीवाल साहब, आप हर सवाल के जवाब में खांसते क्यों? सुंदर लोग सुंदर सवाल करते हैं, वरना दतोड़े तेरा दांत तोड़ दूंगा मैं। असल में देवी जी क्या मेरे गुरु ने कहा है कि सवाल कितना ही आम हो, सवाल कितना ही आम हो, जवाब खास होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने केजरीवाल साहब। हम आपसे दूसरा सवाल करेंगे, एक अहम मुद्दे पे आएंगे, वो ये कि अक्सर देखा गया है कि केजरीवाल के टारगेट होते हैं मोदी साहब, राहुल गांधी, सोनिया, मनमोहन जी। हम ये कहना चाहते हैं कि आपके पार्टी के अंदर खुद अंतर द्वंद जिसको बोलते हैं आंतरिक समस्याएं हैं, आपसे ही पार्टी के लोग नाराज हैं मिस्टर केजरीवाल? हमारी पार्टी से सब नाराज हैं, इस बात पे हमें गर्व है। अन्ना नाराज हुई जी, बेदी नाराज हुई जी, बिन्नी नाराज हुए जी, अब सारे लोग नाराज हैं जी। इससे यह पता चलता है कि दुनिया में हमारी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पारदर्शी है, जिसमें एक भी राज नहीं है, सबके सब नाराज है, नाराज है। शब्दों से खेलना कोई केजरीवाल से सीखे, सोच पढ़ाई लिखाई पैदा कर। सुनिए समय की कमी है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप ये बोलना चाह रहे थे कि बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की, हम बंगला नहीं लेंगे, ले लिया, हम दो कमरे में रह लेंगे, छह कमरे का ले लिया, लिए तो फिर खाली ही नहीं कर रहे हो, तरह तरह की बातें। एक सवाल इसी से मिलता जुलता हमारी साथी यशिता पूछेंगे, आप अपने साथ सिक्योरिटी क्यों नहीं रखते? गुड क्वेश्चन, देखिए फिर एक बार सुंदर सवाल किया। सिक्योरिटी मैं इसलिए नहीं रखता, सुनो बे जी जी, मेरा नाम सुनो, अपने आप में एक हथियार है जी, AK, और मेरी एज है 47, तो मैं AK-47 खुद हूँ। मुझ तक कोई क्या पहुंचेगा, मैं चाइना वॉल से भी बड़ी वॉल हूँ, केजरीवाल। अगर फिर भी कोई मेरे पास में आया तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है मेरे पास। क्या ये कहां लगाया था? ये मैं हमेशा अपना हथियार साथ में रखता हूँ ताकि मुझ पर कोई हमला ना कर सके। भारत की जनता आज तक आपको समझ नहीं पाया कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, जरा आप बताएंगे, पूरी तरह खुल के आएंगे सामने? फिलहाल मेरा गोल तो ये कि मैं आपका मुंह तोड़ना चाहता हूँ, मतलब आपको हमने क्या बिगाड़ भाई, आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा ये है कि मैं देखिए अगर मैं सच बात बताऊं जनता से, मैं अगर कोई कुछ छुपाना नहीं चाहूंगा, आपको तो पता है मेरी पार्टी पारदर्शी, मैं खुद पारदर्शी हूं। अब मैं चुनाव लड़ूंगा PM पद के लिए बनारस से, क्योंकि बनारस में चुनाव में खड़ा होना सबसे पहला अधिकार मेरा है। कैसे भाई? बनारसी आम मशहूर है, आम बनारसी आम मशहूर है, और मेरी आम आदमी पार्टी है जी। मैं आम आदमी हूँ, तो आम आदमी को ही बनारस होना चाहिए, क्योंकि बनारसी आम है और आम बनारसी है। अच्छा मिस्टर केजरीवाल, खाली ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से गंगा में स्नान किया आपने, जो अपनी पूरे बदन की तन मन की गंदगी छोड़ी आपने गंगा में, हमें तो लगता है कि अब जाके राम जेरी गंगा मेरी हो गई। अच्छा एक और मेरे जेहन में, मेरे दिमाग में बात उभर के आई, वो ये कि जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली की कुर्सी छोड़ी है, भारत की जनता पूरी समझदार है मिस्टर केजरीवाल, आई एम टेलिंग यू, सब समझती है, वो पब्लिक है, सब जानती है कि आपका टारगेट क्या है। फिर भी बताइए, इसमें आप कहीं ना कहीं लालची नजर आए हमारे देश की जनता को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैं चाहता हूँ कि आम आदमी बहुत तरक्की करे, आम आदमी के हाथ में सत्ता हो, आम आदमी फैसला करे जी। मैं 1.5 महीने के लिए CM बना था जी, 3 महीने के लिए PM बनूंगा और 6 महीने के लिए मैं राष्ट्रपति बनूंगा। कहाँ का? अमेरिका का राष्ट्रपति। ओह माय गॉड, वो भी टारगेट में जी। कब तक रहेगा वहाँ का राष्ट्रपति ओबामा? हाँ। कभी तो बनेगा ये सुदामा। मैं सबसे पहले वहाँ के व्हाइट हाउस का नाम बदलूंगा। क्या रखेंगे? ब्लैक हाउस। इशिता आम आदमी पार्टी का मतलब हो जाएगा अमेरिका आदमी पार्टी, और हमारा देश का आम आदमी अमेरिका पहुँचेगा। असल में मैं अमेरिका तक आम आदमी को पहुँचाना चाहता हूँ। बस अब बीच बहस जो है
बीच में नहीं रुका, ये अच्छी बात है कि नहीं सीता जी? अंत तक चला, बड़ा अच्छा चर्चा हुई। अब तो एक चीज कहना चाहूंगा कि केजरीवाल साहब के बातों से अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो उधर से मफलर वो पकड़ेंगी, इधर से हम पकड़ेंगे। और हम क्या पकड़ेंगे? आपको क्या लगता है कि पीएम के दावेदार केवल केजरीवाल ही है? शहजादे भी है जो हमेशा अपने भाषण में यही साबित करते हैं कि मुझे पीएम बनाओ, हम सही ज्यादे हैं, गलत कम हैं। अब कितने गलत और कितने सही हैं आप खुद ही सुन लीजिए, भावना को समझो। नमस्कार, मैं हूं राहुल, मैं आपका दोस्त। पिछले 60 साल से हमारी कांग्रेस पार्टी इस देश में सेवा कर रही है, 60 साल से। इसी साल हमारी पार्टी सटिया गई है, मुझे पीएम बनाइए। मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा तो इस देश को एक नई सुबह दूंगा, एक नई सुबह। यानी कि आप पीएम बनाओगे तो मैं आपको एम दूंगा, मुझे पीएम बनना ही मेरा एम है। कांग्रेस आएगी तो प्रोग्रेस आएगी तो कांग्रेस की वजह से आएगी। लोग कहते हैं राहुल बाबा आपने शादी क्यों नहीं शादी की? अब क्या कहना क्लियर कहूं मैं, मेरी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे पार्टी के लोग कहते हैं सोनिया को बहू मत दो, बहू दो बोलना चाहिए। पर मैं ये हर हाल में मानने को तैयार हूं कि हमने प्रोग्रेस दी है। मेरे दादी ने देश को आगे बढ़ाया, पापा ने दुपट किया, मुझे मौका दो मैं चौपट कर दूंगा। देश को हमने बहुत कुछ दिया है, कुर्बानियां दी है। अमेठी हमारा गढ़ है, हमारे कई लोग वहां गढ़े हुए, वहां से कांग्रेस का कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो जीत के आएगा। पर अफसोस की बात है कि इस बार कुत्ता भी खड़ा नहीं है, हम खुद ही खड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी नजदीकियां बढ़े और हम आप तक पहुंचे और चुन गया। लोग कहते हैं मैं एक ही राग क्यों अलापता हूं, पीएम, क्यों ना राग अलापू। मेरा नाम है राहुल गांधी, यानी शॉर्ट फॉर्म रागा। तो मुझे चुनके दीजिए, मुझे पीएम बनाइए, मैं घर घर में लैपटॉप पहुंचाऊंगा। घर घर लैपटॉप होगा तो पूरा देश टिपटॉप होगा। जय हिंद। प्रधानमंत्री पद की बात हो तो भाई साहब केजरीवाल जी का जिक्र हो सकता है, राहुल गांधी जी का जिक्र हो सकता है, तो फिर हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं जिनका सीना 56 इंच का है, जिन्हें धरती पर नर और स्वर्ग में इंद्र तक जानता है। जी हाँ, उनका नाम ही है नरेंद्र। सुनिए उनका ये खूबसूरत भाषण, जब वो बोलते हैं तो मुंह से शहद टपकता है, लगता ही नहीं कि मोदी जी बोल रहे हैं, लगता है हनी सिंह बोल रहे हैं। भाइयो और बहना, यहाँ पर आए हुए सभी दोस्तों मित्रों को आपके दोस्त मोदी का नमस्कार। मित्रों, जिस प्रकार से भारत के लिए मां की गोदी जरूरी है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। सोनिया जी कहती है कि ये चाय वाला है, चाय बेचता है। मित्रों, मैं चाय तो क्या, कॉफी भी बेच सकता हूं। कॉफी इज नॉट माय कप ऑफ टी, इसीलिए मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा मित्रों,
अभी जो हमारा प्रधानमंत्री है वो मौन है, हमें उसे उल्टा करना है, नमो करना है मित्रों। तो ये सब आप करोगे मित्रों, मुझे अपना प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है मित्रों, मुझे अपना सेवक बनाओ। सेवक माता की चौकी कई बार की होगी, उस चौकी का मुझे चौकीदार बनाओ। जो बात 60 साल में नहीं हो सकी मित्रों, वो बात अब 60 महीने में होने वाली है। क्या केजरीवाल, क्या राहुल, अपन दोनों पे भारी है। ओके, राहुल कुंवारा है, केजरीवाल शादीशुदा, और अपन दोनों ही है मित्रों। मित्रों लोग कहते हैं कि मोदी पीएम बनना चाहता है, अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करता। मित्रों बात गलत है, अटल जी को हमने कहा था कि आप पीएम पद के लिए खड़े हो जाए, अचानक उठ के उनके घुटनों में बहुत जोर से दर्द हुआ, वो उठ नहीं पाए और वो प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े नहीं रह पाए। मित्रों आडवाणी जी मुझे कहते हैं कि मोदी नहा धो के प्रधानमंत्री पद के लिए भाषण करो, क्योंकि प्रधानमंत्री पद एक ऐसा पद है जिसके पीछे लोग हाथ धो के पड़े हैं। तब नहा धो के पड़ जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। मित्र हमने राजनाथ जी से भी कहा था कि प्रधानमंत्री बनो और कौम के लिए कुछ करो, तो राजनाथ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मोदी जी कौम के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरे सर में तो बाल ही नहीं है, कौम का मुझे क्या फायदा। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आप उड़ान मंत्री बन जाइए, क्योंकि आपके पास अपना खुद का एयरपोर्ट है। इससे लोग कहते हैं कि देश कड़का हो रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो हमने कहा कड़की बड़ी ही पुरानी है, आज की थोड़ी कहानी है, मुझसे ना पूछो उससे ही पूछो, पीछे खड़ा आडवाणी है। तो लालू जी कहते हैं कि कुंभ के मेले में सारे साधुओं ने ऐलान कर दिया था कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, मंत्र भी नमो नमो था साधुओं का। तो लालू जी कहते हैं कि अगर साधु के कहने से कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम बनूंगा, क्योंकि साधु तो हमारा साला है। यहां वहां की बातों में ना जाओ मित्रों, आपके अरमानों पे कोई झाड़ू फेर देगा तो कोई आपको दूध पिलाएगा, लेकिन मोदी अगर चुन के आया तो वो सुबह आपको चाय पिलाएगा, क्योंकि तभी चाय आती है, और जब चाय आती है तभी सुबह होती है। बड़ी खुशी की बात है, आप इतना प्यार करते हैं तो अगला पीएम मुझे बनाइए। धन्यवाद, जय हिंद। वोट फॉर सुनील पाल, वोट फॉर सुनील पाल, वोट फॉर सुनील पाल, वोट फॉर सुनील पाल, हे मोदी राहुल केजरीवाल, वोट फॉर सुनील पाल, नो सवाल नो बवाल।
वोट फॉर सुनील पाल, चाहे यही मीडिया ऑल, वोट फॉर सुनील पाल, वोट फॉर सुनील पाल।